कैसे राजनीति ने पोएट्री को और पोएट्री ने पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया, इसको जानने के लिए हमने कुछ और हिंदी और उर्दू की कविताएं भी इस मौके पर चुनी है। मैं आई वुड रिक्वेस्ट सैयद मोहम्मद इरफान हु इज विद अस, प्लीज टेक योर सीट। इरफान हु इज वर्किंग विद ऑल इंडिया रेडियो in its FM Gold channel, you must have heard his programs on Gold FM. He's regularly presenting programs there. We have requested him to please be with us today, and he would be reading a few poems from the first one is from Suryakant Tripathi Nirala. As you know, he was very prominent poet from Hindi literature. Nirala Nehru aur Gandhi ke samkaleen the. Ek khas tarah ki rajnitik chhaap aapko milti hai aur yahan jo kavita Irfan pesh karne ja rahe hain, Raje ne Rakhwali ki. How feudalism tried to save it from people. इस कविता में इसके बारे में ही बताया गया है कि कैसे धर्म, इंटेलिजेंसिया सब मदद करते हैं एक राजा को बनाए रखने में। इरफान से मैं आग्रह करूंगा कि राजे ने रखवाली की इस शीर्षक कविता को हमारे सामने प्रस्तुत करें। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए कवियों ने उनकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले, जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। नेक्स्ट इज फेमस मैगजीन विमान। He was great poet, and I would request Irfan Saab to read one poem from his book, and that is Ram Das. The title of that poem is Ram Das. हम सब लोगों के लिए लोगों का मारा जाना, हमारे आपके बीच एक आम आदमी का मारा जाना एक सिर्फ खबर बन के रह गई है, और हम सब लोग जिस तरह से आम लोग मारे जा रहे हैं उसमें एक मूक दर्शक बन करके रह गया, उसके बारे में ही ये कविता बताती है। रामदास। पतली थी दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता ये दिया गया था उसकी हत्या होगी, धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर, सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत थे, सभी जानते थे ये उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रखकर के आए, लोग सिमटकर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौलकर चाकू मारा, छूटा लोहू का फवारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह, देखो देखो बार बार कहे, लोग निडर उस जगह खड़े रहे,
लगे बुलाने जिन्हें जिन्हें संशय था उसकी हत्या होगी। I would request Irfan to please read a very long poem, but we have decided to take a very small portion from that poem, written by Dhumin. His full name was Sudama Pandey Dhumin. He was from Benares. He written those poems around 70s, and that was the time when the whole magic of Nehru was in fact crumbling, and this poem was called Patkatha. Patkatha mein Dhumil us pure daur ko azadi ke baad se ab tak ka jo pura daur hai usko wo batate hain, par humne yahan jo ek portion chuna hai wo Nehru ke us daur aur Nehru ke us jadoo ke tootne ke baad ki kahani ko hamare samne rakhta hai. Main Irfan se aagrah karunga ki Patkatha ke us hisse ko hamare samne rakhe. उसे मैंने जी भर कर प्यार किया और जो नहीं था उसका इंतजार किया। मैंने इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा, अब कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा, अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, कोई किसी को नंगा नहीं करेगा। इस तरह जो था उसे मैंने जी भर कर प्यार किया और जो नहीं था उसका इंतजार किया। मैंने इंतजार किया कि अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा, अब कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा, अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, कोई किसी को नंगा नहीं करेगा। अब ये जमीन अपनी है, आसमान अपना है, जैसा पहले हुआ करता था। सूर्य हमारा सपना है। मैं इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता, ये सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुशफहम इरादे थे, सुंदर थे, मौलिक थे, मुखर थे। मैं सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। मतदान होते रहे, मैं अपनी सम्मोहित बुद्धि के नीचे उसी लोकनायक को बार बार चुनता रहा जिसके पास हर शंका हर सवाल का एक ही जवाब था, यानी कि कोट के बटन के होल में महकता हुआ एक फूल गुलाब का। वो हमें विश्व शांति और पंचशील के सूत्र समझाता रहा, मैं खुद को समझाता रहा, जो मैं चाहता हूं वही होगा, होगा आज नहीं तो कल, मगर सब कुछ सही होगा। भीड़ बढ़ती रही, चौराहे चौड़े होते रहे, लोग अपने अपने हिस्से का अनाज खाकर निरापद भाव से बच्चे जनते रहे, योजनाएं चलती रहीं, बंदूकों के कारखानों में जूते बनते रहे, और जब कभी मौसम उतार पर होता था, हमारा संशय हमें कूंचता था, हम उत्तेजित होकर पूछते थे, ये क्या है, ऐसा क्यों है। फिर बहसें होती थी, शब्दों के जंगल में हम एक दूसरे को काटते थे, भाषा की खाई को जुबान से कम और जूतों से ज्यादा पाटते थे। कभी वो हारता रहा, कभी हम जीतते रहे, इसी तरह नोकझोंक चलती रही, दिन बीतते रहे। मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया। मेरा सारा धीरज युद्ध की आग से पिघलती हुई बर्फ में बह गया। मैंने देखा कि मैदानों में नदियों की जगह मरे हुए सांपों की केचुएं बिछी हैं, पेड़ टूटे हुए रडार की तरह खड़े हैं, दूर दूर तक कोई मौसम नहीं है, लोग घरों के भीतर नंगे हो गए हैं और बाहर मुर्दे पड़े हैं, विधवाएं तमते लूट रही हैं, सधवाएं मंगल गा रही हैं, वन महोत्सव से लौटी हुई कार्य प्रणालियां अकाल का लंगर चला रही हैं, जगह जगह तख्तियां लटक रही हैं। ये श्मशान है, यहां की तस्वीर लेना सख्त मना है। फिर भी उस उजाड़ में कहीं कहीं घास का हरा होना कितना डरावना है। मैंने अचरज से देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ बारूद का सबसे बड़ा गोदाम है। अखबार के मटमैले हाशिए पर लेटे हुए एक तटस्थ और कोढ़ी देवता का शांतिवाद नाम है। ये मेरा देश है, ये मेरा देश है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है,
जहां हर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेर है। ये मेरा देश है और ये मेरे देश की जनता है। जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है। कोहरा और कीचड़ और कांच से बना हुआ एक भेड़ है जो दूसरों के ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। एक पेड़ है जो ढलान पर हर आती जाती हवा की जबान में हां हां किया करता है क्योंकि अपनी हरियाली से डरता है। ये मेरा देश है, ये मेरा देश है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है जहां हर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेर है। ये मेरा देश है और ये मेरे देश की जनता है। जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है। कोहरा और कीचड़ और कांच से बना हुआ एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। एक पेड़ है जो ढलान पर हर आती जाती हवा की जबान में हां हां किया करता है क्योंकि अपनी हरियाली से डरता है। गांव के गंदे पनालों से लेकर शहर के शिवालों तक फैली हुई कथकली की एक अमूर्त मुद्रा है ये जनता। जनतंत्र में उसकी श्रद्धा अटूट है। उसको समझा दिया गया है कि यहां ऐसा जनतंत्र है जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। कैसी विडंबना है, कैसा झूठ है। दरअसल अपने यहां जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम तटस्थता है। यहां कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहां सिर्फ वो आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। अहमद फैज, चंद रोज और मेरी जान। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। जुल्म की छाओं में दम लेने पे मजबूर हैं हम। और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें। अपने अजदाद की मीरास है, माजूर हैं हम। जिस्म पर कैद है, जज्बात पे हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, पर यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गराबार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द अपनी दो रोजा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। Too much time, as I have promised. So again, all the best to Bharti Dasan Institute of Management and its alumni. Thank you very much for providing this opportunity to us to present these poems. We are basically influenced by the politics. These all poets are very much political. They were part of political movements, and whatever they have written, that shows their understanding of politics. Thank you very much.